मेरे घर पे सब लोग ईदी देखने आए हैं तो सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ। बनाया है इस पे। थैंक यू सो मच आसिफ, तुम बहुत अच्छा जॉब करो। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है गाइस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट ये मेरे दिल की अरमान वाले वीडियोस हैं। कितना ज्यादा अच्छा पॉपअप करके आ रहे हैं तब जब आइए मतलब इतनी सॉरी की भाषा में और आप लोग के साइड में क्या बोलते हैं। लुकिंग सो गुड न्यू वेरी वेल दैट आई लव चॉकलेट्स। सो गाइस माशाल्लाह यहाँ मेरी ईदी आज क्या बोल। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी याशु, वेलकम बैक टू माय व्लॉग वीडियो। और आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, तो मैं सोची कि ये आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी आप लोग के साथ ये बातें शेयर करने का बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी एंड फाइनली आज का ये दिन आ गया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूल भुलैया वाला बात नहीं करूँगी, डायरेक्ट मुद्दे पर जाऊँगी। मेरे इन लॉज के साइड से मेरी ईदी आ रही है। अब आप लोग सोचोगे याश्विन तुम्हारा रिश्ता कब फिक्स हुआ, क्या करता है, क्या है, कैसा है, तुमने बताया क्यों नहीं। एक्चुअली मेरा रिश्ता फिक्स हुए हुए मोर देन 2 ईयर्स हो चुके हैं। एंड मतलब एक होता है ना, शादी के लिए मेंटली प्रिपेयर मैं नहीं थी और अभी भी उतना मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, बट एज अ रीति रिवाज, एज अ रिचुअल्स, ईदी आना जाना ये तो होता है, तो इसी तरीके से आज मेरी ईदी आ रही है। बट आई डोंट नो मैं कब शादी करने वाली हूँ, कब क्या है। मतलब आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट याश्विन कब तुम शादी कर रही हो, इस साल, अगले साल, कब कब कब। तो अभी इसका जवाब मेरे पास भी नहीं, बिकॉज नाउ ऑल्सो आई एम नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर द मैरिज, बिकॉज शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट्स नॉट ओनली लाइक कि आप फन करोगे, मज़े करोगे, इधर जाओगे उधर जाओगे। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के लाइफ देखे हैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज, एंड सीरियसली ट्रस्ट मी, मेरा अंदर से थोड़ा सा ऐसा डर वाला सीन हो जाता है। तो इसीलिए अभी आई एम नॉट दैट मच रेडी फॉर द मैरिज, बट यार चलो ठीक है, रिश्ता फिक्स है तो मतलब एक होता है ना कि या दे न्यू एवरीथिंग अबाउट मी, व्हाट आई एम डूइंग ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, व्हाट आई एम नॉट डूइंग, लाइक एवरीथिंग अबाउट मी, एंड दे आर एग्री विथ मी। एंड कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों पर ऐसा हो जाता है लाइक तो इसी तरीके से आज मेरी ईदी आ रही है। लास्ट ईयर भी ईदी में मुझे ये कपड़ा आया था, तो इसीलिए मैं इस कपड़े को पहनी हूँ आज। एंड अभी बस आईब्रो फिल करना है, मेकअप नहीं की हूँ, बस स्किन केयर की हूँ। एंड नीचे अभी मैं कुछ कुछ अलग अलग डिशेस जो है मतलब स्नैक्स में कुछ कुछ बना रही हूँ, और आज मेरा रोज़ा नहीं है। एक्चुअली मैं रोज़ा रखने की हालत में थी बट मेरी मम्मी सहरी में मुझे नहीं उठाई थी, और उसके साथ साथ ना अभी ऐसा झड़क चल रहा है ना कि मेरे नाकों से ब्लीडिंग आनी शुरू हो जा रही है, कभी कभी ऐसा हो जा रहा है इसीलिए, और मेरा ब्लड प्रेशर भी अभी लो है इसलिए मेरी मम्मी मुझे सहरी में नहीं उठाई। बट आज मुझे रोज़ा रखना था, बट कोई बात नहीं, ईद के बाद इंशाल्लाह अगर हम जिंदा रहें तो जितने भी रोज़े हमारे छूटे हम उसको मुकम्मल करेंगे। एंड वैसे तो मेरी ईदी संडे को ही आने वाली थी बट संडे को अचानक से हमें अपने गांव जाना पड़ा। एंड टुडे इज़ ट्यूसडे, डेट 2 अप्रैल है आज। पता नहीं ये वीडियो आप लोग को कब मिलेगा, जब कभी मिलेगा माशाल्लाह कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड आई विल शेयर ईच एंड एवरी थिंग, बट अभी आई डोंट हैव दैट मच टाइम, बस फर्स्ट आईब्रो फिल करो, नीचे किचन में चलो, बिकॉज नीचे मैंने बहुत ज़्यादा मेस्ड कर रखे हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स में ट्राई कर रही हूँ आज। सो लेट्स गो, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। बट अभी मैं किसी से आप लोग को नहीं मिलवाने वाली हूँ, मेरे इन लॉज के साइड से आज जो भी मेम्बर्स आ रहे हैं मैं उन लोगों से आपको नहीं मिलवाऊंगी। यार सबसे अभी मिल लोगे तो फिर बाद में किससे मिलोगे, अभी आप लोग सिर्फ मेरी ये कोमल कोमल से शक्ल देखो। एंड जितनी भी ईदी आएंगी, जो भी आएंगे, आई विल शेयर एवरी थिंग। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो हैप्पी, एंड मेरे इस हैप्पीनेस को किसी की नज़र ना लगे। एक्चुअली जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो मेरी मुझे नज़र लग जाती है शायद, या तो अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह फॉर एवरीथिंग। बस आईब्रो फिल करो है, नीचे चलो, वरना मम्मी डर, बस हेयर को थोड़ा सा सिक्योर कर लेती हूँ, वरना खाने में सिर्फ और सिर्फ जुल्फे मिलेंगे सबको। फिर यहाँ मैं अपने कज़न ब्रदर को दे रही हूँ ये बनाने को, एंड बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया है इसने। थैंक यू सो मच आसिफ, तुम बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, गुड जॉब। तुम्हारे शक्ल में नहीं ले रही हूँ, डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों को ले रही हूँ क्योंकि इस बच्चे के हाथ में कला है गाइस, कला है। एंड ये देखो कितना अच्छा बनाया है इसने, उफ। चलो अब हम आगे का काम करते हैं। मेरी मम्मी बना रही है ये नारियल का है, वो जो कच्चा नारियल होता है, और इसमें चीनी वगैरह डाल के मतलब ये बहुत अच्छा है, समोसा बनता है इसका, मीठा समोसा। तो उसके लिए इसको रेडी किया जा रहा है, एंड उसके बाद मैदा मैं अच्छी तरीके से वो डो बना बना कर के, और हम इसमें ऊपर से कोट लिया हूँ। बनाई हूँ
एग पॉकेट, मतलब इसमें है ये, इसके अंदर पूरा एग फिलिन है और बॉयल एग है, बॉयल एग फिल की हूँ मैं इसको। आई डोंट नो कैसा टेस्ट आने वाला है, मुझे कुछ भी नहीं पता बिकॉज मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करे हैं एंड सबका शेप एंड साइज बहुत डिफरेंट डिफरेंट हुआ है। जैसे लुक एट द शेप एंड क्या बोल रही हूँ मैं, और इसका शेप एंड साइज देख लो, इसका देख लो, मतलब सबका साइज एक दूसरे से डिफरेंट। अब बनाना है ना मीठा वाला वो समोसा, तो ये देखो इस तरीके से हमारा नारियल जो है सो रेडी हो चुका है और अब इसको ना हम लोग फिल इन करेंगे जिस तरीके से मैदे का ये ओके बनता है एंड इस वाले टेक्निक से हम लोग इसको फिल इन करेंगे। अपने आइटम में ऐड कर रही हूँ ना ये चिकन का बहुत मस्त सा क्रिस्पी सा पकौड़ा है, इसका रेसिपी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो चिकन के देखो छोटे छोटे पीसेस को मैंने कट कर लिया, इसको बहुत अच्छे से मैं वॉश कर ली, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा पीस नहीं रखेंगे वरना फिर पकने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसमें मैं वन बाय वन करके मसाले ऐड कर लूँगी, मसाले बहुत लाइट ऐड करना है, बहुत हेवी कोई भी मसाला ऐड नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा मसाला मसाला हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं इसमें नमक ऐड कर ले रही हूँ और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड कर लेंगे, बहुत ओवर नमक नहीं। मैं कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ, रेड चिल्ली पाउडर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इस पर पता है गरम मसाला ऐड की हूँ और उसका क्लिप मैं लेना भूल गई। एंड यहाँ मैं अब लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, आप अगर अदरक यूज़ करते हो तो आप लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल सकते हो, यार मैं किधर दिखा रही हूँ। ओके, दो चम्मच हम ले लेंगे चावल का आटा, चावल का आटा से पता है ये जब फ्राई होगा तो ये और मस्त क्रिस्पी हो जाएगा। तीन चम्मच ले ले रही हूँ, इसमें दो चम्मच ना मैं बेसन भी ऐड कर दूँगी, देख रहे हो क्वांटिटी में ज़्यादा ज़्यादा नहीं ले रही हूँ ताकि हमारे चिकन का टेस्ट हमें पूरी तरह। इसमें ना थोड़ा सा धनिया का पत्ता भी ऐड की हूँ और चटपटा बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ मस्त सा एकदम। और इसमें और ज़्यादा कलर ऐड करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ रेड फूड कलर, एक्चुअली देखो मेरे हाथों पर भी लग गया यार, तो इससे बहुत ही अच्छा एकदम फ्रेश रेड हमारे चिकन का कलर आ जाएगा, कितना ज़्यादा अच्छा पॉपअप करके आ रहा है एकदम रेड रेड मस्त। और इसको मैं मतलब मैं 15-20 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, इसका तब फ्राई करूँगी जब तक थोड़ा सा चिकन जो है ना वो नमक में मिलके मसाले में मिलके थोड़ा सा वो चिकन भी मेल्ट और सॉफ्ट हो जाएगा, उसका फ्राई होते ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ही ज़्यादा अंदर अंदर तक पक जाएगा। इसको बहुत लो फ्लेम पर बनाना है हमें। तो फटाफट से अपने इफ्तार प्रिपरेशन कर ही रहे थे और इफ्तार प्रिपरेशन करने के दौरान ही मेरे घर का बेल बजा और बेल बजते के साथ यार सब लोग आ गए मेरी ईदी लेके, देख के तो दिल इतना खुश हुआ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग देख के बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है। तो गाइस फाइनली हमने बहुत हरबर दरबर में ये सारे इफ्तार रेडी करे हैं एंड अभी बस इन सबको ट्राई करना है। फ्रूट्स का तो खैर छोड़ो हटाओ यार, मेन तो ये है अभी पता है आधा फ्राई हुआ और आधा बाकी है। चलिए शुरू कीजिए कार्यक्रम, शुरू कीजिए, अरे शुरू कीजिए। अच्छा आप कर चुकी हैं, सो गाइस अभी हमारा अवतार जो है उठाइए। तो नीचे में सारे गेस्ट लोग हैं और यहाँ हम तीनों हैं, हम लोग बोले कि यार हम लोग थोड़ा सा अलग हो गए यार, चेयर्स कर सकते हैं अवतार में, ये कर सकते हैं फिर यार सब लोग बोलने लगते हैं। आज हमने बनाया चिकन वाला, ये बहुत मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी सा, सबसे पहले हम लोग इसी को ट्राई करें। फ्रूट सब लोग भूल चुके हैं, अच्छा लग रहा है ना, अच्छे से गल भी गया देर तक। इसको मसाले में डाल के मैं छोड़ देती हूँ ऑलमोस्ट 30 मिनट। गुड गुड गुड, जब आइए जाना पूछिएगा इसकी ये क्या है, तो मैं इसको बोल रही हूँ ये मेरा स्पेशल है, तो आप उसको खा के देखिए पहले स्नैप। अरे यार लड़ाई हो रहा था जो ओके okay. अंदर क्या है, अंडा निकला है और भी है वो क्या क्या है उस पे, आपको पता भी है उस पे क्या क्या है? ब्रेड है, उसके अंदर आलू है, उसके अंदर अंडा है और उसके ऊपर चावल का आटा है और उसके ऊपर बिस्किट का वो है क्रश है। यस, इसलिए तो बोल रहे उसमें स्टॉप, तुम्हारे भी रिएक्शन लेंगे। अरे कोई पहले खाओ तो एक जल्दी से पूरा छितर गया वो भी का। गुड, आपको टेस्ट लेने में थोड़ा टाइम लगता है उसमें तुरंत बताइए बताइए अच्छा अच्छा कैसा है, आपको थोड़ा टाइम हो चुका है बताइए। गुड ओके गुड गुड, तो गाइस अब मैं इसका रिएक्शन देने वाली हूँ।
पहले ही यहाँ मिर्चा एक अटक अटका हुआ, उसमें थोड़े से इसको हटाओ तो ऊपर वाला मिर्चा। हाँ नमक कम है क्या? नहीं सबसे स्पाइसी और सबसे अच्छा वो चिकन वाला लग रहा है। खोलिएगा वो सब डाला, खोलिएगा। गाइस लुक एट माय कंडीशन, ओह माय गॉड, एकदम पसीने पसीने हो गई मैं। अभी जस्ट मैं चाय बना रही थी, बिकॉज मेरे घर पे सब लोग ईदी देखने आए हैं तो सबके लिए मैं चाय बना रही हूँ। एंड लिटरली इफ्तार करने के बाद क्या कंडीशन खराब हुई है, पूरा घर ऐसे उधर उधर मेस्ट हो रहा है। एंड उस रूम में बहुत सारे गेस्ट है एंड एवरी वन इज एंजॉइंग माई ईदी एंड परवीज एक्सेप्ट मी। मैं हूँ ही नहीं वहाँ, मैंने अभी तक देखा। भाई तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है ना कि मत पूछो भाई। मेरा खुद को उसमें से चेंज कर दी हूँ। हाँ प्लेट में डाल दो यार, जो मिले अभी उसमें ले लो क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो गाइस अब ना मैं जा रही हूँ फ्लोट बनाने के लिए, और फ्लोट बनाने में हमें लगता है आइसक्रीम, तो मैं यहाँ 2 कप फ्लोट बना रही हूँ एंड पेप्सी या कोका कोला कुछ भी, बट ये ब्लैक वाला ही चाहिए। तो इसको क्या करना है ना, छुस ओपन करना है एंड ये जो हमारा बड़ा वाला ग्लास है इसमें हम हाफ ग्लास ही रखेंगे, क्योंकि जब इसमें आइसक्रीम आएगा तो ये बहुत ऊपर तक फ्लोट हो जाएगा, बहुत ऊपर तक। तो इतना रखते हैं, बंद कीजिए तो डिप करूँगी। उसके बाद देखिए कैसे ये फोम बन के एकदम ऊपर तक आ जाएगा यार। इसको बस अब मिक्स होने दीजिए, और पता है ये कलर भी चेंज करेगा। ये देखो भाई साहब, ये मेरा ग्लास है ना, हाँ पी सकती हैं। हाँ उसको कम कीजिए क्योंकि ये बहुत ऊपर तक आ रहा है मैन। ये देखो यानी इतना टेस्टी लगता है ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ कोका कोला वाले, जब आप मिक्स करोगे ना बहुत यम लगता है। अच्छा इसको आपको ऊपर से खाना होगा। उतना कम कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, जो खाए उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए। यहाँ से आया था, हमारे स्कूल में फेयरवेल हुआ था ना, तो उस टाइम पे ये हमें एक टीचर ने सिखाया था एंड ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा। इसको और टीचर मैं हूँ और आप ना इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे फ्रूट्स का डाला एंड इनमें फ्रूट्स है। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये खाजा है, और इसको आप लोग की भाषा में और आप लोग के साइड में क्या बोलते हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये खरबूज है, आप लोग इसे क्या बोलते हैं मुझे ये भी बताना, और इसका टेस्ट आप लोग कैसा लगता है मेरे को ये भी बताना। एंड इसमें है हमारे लच्छा, जिसको सेवैया भी बोलते हैं, इसे लच्छा भी बोलते हैं। यहाँ 2 टाइप की रोटियाँ हैं, एक्चुअली मेरे को दोनों सेम ही लग रहा था बट नहीं, दोनों डिफरेंट है। दिस इज़ नान रोटी जो कि सॉफ्ट फ्लफी सा होता है एंड दिस इज़ बकर खारी जो कि थोड़ा सा क्रंची सा लगता है एंड इसमें ये थोड़ा मीठा टेस्ट करते हैं। ओके सो इसको बकर खानी बोलते हैं एंड इसको नान रोटी बोलते हैं। बाकी इधर फ्रूट्स में हो गया हमारे, ग्रेप्स हो गए, एप्पल हो गए, पॉमीग्रेनेट हो गया एंड ऑरेंजेस हो गए एंड इसके साथ साथ यहाँ मिल रहा है हमें स्ट्रॉबेरी। तो हाँ दिस वाज द फ्रूट सेक्शन एंड इसके बाद फिर मैं आपको शेयर करती हूँ अपने आउटफिट्स। सो गाइज माशाल्लाह यहाँ मेरी ईदी आ चुकी है एंड इन सारे डालों में ना कपड़ा, और मतलब इन चारों डालों में ना वो सारे कपड़े और यही सब है, मतलब फ्रूट्स वगैरह खाने पीने के सामान से सबसे हट के, बट इसमें खाने पीने के ये भी सामान है, दैट इसमें चॉकलेट्स हैं एंड ये ऊपर से देखने में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, खास कर ये चूड़ा मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। मैं अपने डाला नंबर 1 से जो कि मेरा मेन डाला है, मतलब एक होता है ना एकदम मेन वो वाला डाला है एंड मुझे मालूम है आप सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ना कि आश्विन कब, कैसे, हाउ, व्हेन, कैसे, क्या, क्यों। तो रिलैक्स मैं सबका जवाब दूंगी। सबसे पहली बात यार ये डाला कितना सुंदर है, दिस इज सो प्रिटी, सो ह्यूज मैन, बहुत हेवी भी है। तो हाँ मैं दिखाती हूँ, ओपन करते हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ की। चेक के नोट्स पे ये बंधे हुए थे। Oh my God! Guys, ये हील्स मुझे बहुत टाइम पहले से चाहिए थे, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप एंड ट्रांसपेरेंट हील वाला हील, एंड सीरियसली इसकी हील्स काफ़ी ज़्यादा हैं, 4 इंच के इसकी हील्स हैं एंड दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, थैंक यू सो मच। एंड ये हील्स हो गए,
डोसा चीज। वाओ गाइस, ये देखो चूड़ा यार, मतलब इतनी सारी चूड़ियां, तो लुक एट द कलर मैन, ये बहुत डार्क ग्रीन है। कपड़े का कलर हम देखते हैं अभी, रुको रुको सबर करो। ओके इसमें मेकअप, ओके इसमें एक इतर है जटैक्स, जटैक्स या हाय द फ्रेग्रेंस इज सो गुड। एक्चुअली मैं रात में 12:30 बजे बैठ के इधर सूंघ रही हूँ, तो अभी मैं इसको बिल्कुल खोलने वाली नहीं हूँ, इधर बिल्कुल रख देते हैं। हाइलाइटर, आई शेडोबल, एक्चुअली मैं अपने इन लॉज को बोलती थी कि मुझे कुछ भी मेकअप का मत भेजना, कुछ भी मत भेजना, कुछ भी नहीं, बिकॉज आई हैव अ ह्यूज मेकअप कलेक्शंस एंड स्किन केयर कलेक्शंस। मैं उन लोगों को बोलती थी यार एक भी चीज़ मेकअप का मत भेजना, मगर फिर भी उन्होंने भेज दिया, तो थैंक यू सो मच यार। बट सच में मुझे नहीं चाहिए था यार, मेरे पास इतना ज़्यादा मेकअप का कलेक्शन है ना, मैं खुद अपने सामान यूज़ नहीं कर पाती। इसके साथ साथ मेरा डेली मिल्क, ओके बड़ा वाला डेली मिल्क, इसका एक छोटा सा बच्चा। मैट क्रश वेलवेट हाउस, ओके इसका बहुत अच्छा सा शेड है, लुकिंग सो गुड, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस लिपस्टिक। इसके साथ एक और लिपस्टिक था, ओके एक और चॉकलेट, एक्चुअली द न्यू वेरिएबल दैट आई लव चॉकलेट्स, थैंक यू। एक और लिपस्टिक है, दिस इज बाय ब्रांड माई ग्लैम, माई ग्लैम के लिपस्टिक्स भी बहुत अच्छे होते हैं, एंड ओ वाओ द कलर शेड इज सो गुड, ये बहुत पीजी सा शेड है, लुकिंग सो गुड एंड थोड़ा सा ग्लॉसी काइंड ऑफ है, थैंक यू फॉर दिस टू। हाय फ्रेग्रेंस एकदम चॉकलेट है, ये वाले गजरे, थैंक यू, रियल गजरे नहीं भेजने क्योंकि अभी ईद में बहुत ज़्यादा टाइम है, तो ये हमारे काम चलेंगे। ओके नेल पेंट यार, इसमें परवी है हमारी, आई वांट टू सी कितनी ज़्यादा है इसमें, कितने परवी हैं, इतना पैक नहीं करना था यार। टू 1 2 3 4, ओके थैंक यू सो मच मेरी ईदी भेजने के लिए, मेरी परवी भेजने के लिए। ओके यार कितनी एक्साइटेड होते हैं अब लड़कियाँ, दिस इज माई, थैंक यू। एंड वाओ यार ये इयररिंग कितना सुंदर है, एक्चुअली ये पैकेट में पैक है, लुक एट द क्वालिटी मैन, ये तो डेफिनेटली मैं पहनने वाली, सबसे पहले मेरे को ड्रेस देखना है, मुझसे अभी इंतजार नहीं हो रहा है, और ड्रेस सच में मेरे को आप लोगों को भी दिखाना है यार। इससे पहले ये पर्स देखो, वाओ दिस इज सो गुड मैन, सो गुड एंड इन सिल्वर कलर, लुकिंग बॉम्ब, एंड ये मतलब चारों तरफ ऐसा है, एंड दिस इज नॉट ग्लिटर क्योंकि ये हमारे हाथों में नहीं आ रही, ये कपड़े ही वैसे हैं शाइनी वाले, एंड दिस इज सो 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 गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली पर्स टू। एक्चुअली वो लोग बोले थे ना कि इन सब की पैकेजिंग हम अलग रख दिए हैं, तो वो लोग भिजवा देंगे, क्योंकि मैं बोली कि ये सब डस्ट इन पे भर जाएंगे, तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग वो उसे कल आपको भिजवा देंगे, क्योंकि अभी वो पैकिंग में आता तो बहुत भद्दा सा लुक दे देता। चलो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है गाइज, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये मेरे दिल के अरमान वाले वीडियोज़ हैं, एंड अभी सिर्फ एक ही डाला खोली हूँ मैं, अभी इधर 3 डाले और हैं, तो सच में ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। फाइनली ओके इधर एक और नेल पेंट है, बहुत क्यूट है, थैंक यू सो मच, वैसे मैं नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, बट फिर थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड दिस इज सो हेवी, एंड देखो इसमें स्टक किया हुआ है, ये गले का चोकर है, एंड मस्त सा इयरिंग है, एंड गले के चोकर में भी इयरिंग है, तो ये सब तो यार ईद के दिन देखना, कपड़े खोल के देखते हैं भाई साहब, कपड़ा बहुत हेवी है, एंड द कलर इज वाओ वाओ, I'm in love. Let me show you. Ooh, this is gown frock. मैं दिखाती हूँ. Wow. Guys, ये इसका ना bottom का flare है. This is looking so good. एकदम bridal लग रहा है यार. Wow. मतलब इतने पे heels पहन लूँगी ना तो ये चला जाएगा. दिस इज सुपर्ब, मैं दिखाती हूँ आपको यार, मैंने इसे अच्छे से तह भी लगा दिया वरना फिर बहुत मैस हो जाएगा सब आने अगर मैं एक साथ। आवर सेकेंड डाला तो इसे भी हम ओपन करते हैं, ये बस वाओ, ओ वाओ, लाइक लुक एट दिस, ये बहुत सुंदर हील है, ये बहुत ज़्यादा हील नहीं है मतलब बहुत कम्फर्टेबल वाला है, एंड दिस इज इन पीच सिल्वर ऐसे करके कुछ कलर है, बहुत सुंदर है बहुत, एंड इसमें डिटेलिंग्स बनी हुई है, दिस इज सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल पेयर ऑफ हील्स, दिस इज
सो गुड, इसमें बहुत ही ओके। इसमें हमें मेहंदी मिल रहा है, चार मेहंदी हमारी इधर है। ओके, इसमें भी है लिप ग्लॉस, बहुत सुंदर सा लिप ग्लॉस लग रहा है, स्विस ब्यूटी का ये लिप ग्लॉस है। वाह, खुशबू बहुत अच्छी है। आई लव ग्लॉसेस, आई लव ग्लॉसेस, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल ग्लॉस। इधर हमारा नेल पेंट रहा, ओके, पिंक एंड ग्रीन, एंड इसी कलर का ये कपड़ा भी लग रहा है। एक्चुअली कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भी ये चूड़ी है हमारा, ये थोड़ा लाइट वेट कपड़ा है, मतलब आप चेंज करके पहन सकते हो। एंड ओके, इसमें एक ही हमारे झुमके रहे। यार जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा दूँ, इसमें ये हमारे एक और चॉकलेट रहे, एक बिंदी है, और इधर इयरिंग और मांगटी का सेट है जो कि गोल्डन कलर का है। एंड दिस इज लुकिंग सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर दिस टू। यार ज्वेलरी मैं नहीं दिखाऊंगी, जब पहनूंगी तब आप लोग देखना। एंड इन सारे डालों को साइड की जाए, इस कपड़े को मैं आपको दिखाती हूँ। वाओ, एक्चुअली द कलर इज सो प्रिटी, सो प्रिटी। ये दुपट्टा है, वाओ, ये समीज है, एंड ये गरारा है, दिस इज गरारा सेट, एंड इसका दुपट्टा बहुत सुंदर है गाइस, लिटरली दिस इज लुकिंग सो गुड। मतलब लाइट वेट में पहनने के लिए दिस इज सो गुड, ओके। एंड इसका गरारा हम लोग देखते हैं, गरारा मेहंदी ग्रीन कलर का है, एंड इसमें बहुत अच्छे फ्लेयर है। वाओ, दिस इज लुकिंग सो प्रिटी, इसमें बहुत अच्छे वर्क है। एंड शायद इस आउटफिट को मैं ऑनलाइन भी कहीं देखी हूँ, ऐसा मुझे ऐसा माइंड में लग रहा है कि मैंने इसे ऑनलाइन भी देखे हैं कहीं। एंड ये फ्रंट का हमारी समीज है, दिस इज सो गुड, इसका वर्क बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत लाइट वेट है, बहुत हेवी नहीं लग रहा है, एंड द दुपट्टे की क्वालिटी इज ऑल्सो सो सुपर। सो ये हमारा दूसरा बॉक्स था जिसे हमने अनबॉक्स कर दिया है। दोनों ही हील्स बहुत सुंदर है, दोनों चूड़ियाँ बहुत अच्छी है, जितने भी ज्वेलरीज एंड मेकअप से एवरीथिंग इज ऑन टॉप, एंड द पर्स वाओ, एंड मेरी ईदी, दिस इज सो गुड, सो गुड। मतलब कुछ भी इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। अभी दो डाले और हैं खोलने को, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बट प्लीज़ इन्जॉय माई ईदी एंड इन्जॉय माई डालाज। तो गाइस, अब हमने अपना डाला नंबर थर्ड ओपन करते हैं, जो कि ये गोल वाला डाला है। एंड अब जो दोनों जो मेरा कपड़ा था, कपड़ा मेरा हो चुका है, इसमें जो कुछ भी हो वो एक्स्ट्रा सामान है, मतलब इसमें भी कपड़ा है तो वो, बट मेरा कपड़ा नहीं है। ईदी में फैमिलीज का भी कपड़ा आता है। एंड अभी हमारे तरफ से भी प्रिपरेशन होने वाला है जाने को। बाय द वे, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सबसे पहले इसमें भी चार मेहंदी है, मेहंदी के कोन है, जो कि हम इधर रख देते हैं। ऑलरेडी 8-10 कोन हो चुका है हमारे पास मेहंदी का। एंड इसमें दो चूड़ियाँ हैं, मतलब इन दो कलर के कपड़े होंगे, ओके। और इसमें दो बिंदी है, तीन बिंदी है और दो बैक पिन है, दो ये वाले काजल हैं, एंड एक ये बहुत ज़्यादा सा चूड़ी है, ये दादी का चूड़ी है, क्योंकि मेरी दादी एक हाथ में 12 चूड़ी नहीं पहनती, वो एक हाथ में 24 चूड़ी पहनती है और दूसरे हाथ में 24 चूड़ी पहनती है, मतलब वो अपने दोनों हाथ में 4 दर्जन चूड़ियाँ पहनती हैं। अब सूट देख सकते हैं, एक्चुअली सूट की पैकिंग ऐसी नहीं थी, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देना, क्योंकि सूट सब लोग शाम में खोल खोल के देखते हैं ना, तो थोड़ी सी पैकिंग दिक्कत हो गई है। सो ये मेरी मम्मी का सूट है, जो कि फुल ऑन कॉटन में है, और मेरी मम्मी इसी टाइप का सूट पहनती है। और ये दुपट्टा है, दिस वॉज सो गुड, तो इसी पर का ना ये चूड़ी है, ये चूड़ी हमारी सूट का है, मम्मी के सूट का, गुड है। दूसरा जो है ये साड़ी है, और ये मेरी दादी का साड़ी है। वाओ, एक्चुअली ये बहुत ही प्रिटी सा कपड़ा है, बहुत लाइट वेट कपड़ा है, एंड इसका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हेवी है, पिंक और पर्पल का इसका वर्क है, एंड दिस वॉज लुकिंग सो गुड। और इसी दो कलर का ना यहाँ पे चूड़ी है, जो कि 2 दर्जन चूड़ी है, और इसके अंदर पेटीकोट भी इसका मैचिंग है, ओके। या दिस इज सो गुड, सबको पैकेट में हम लोग करेंगे, यार बाद में टाइम नहीं है। ये मेरी चाची का सूट है, एंड दिस वॉज ऑल्सो सो गुड, इसमें पूरे नग के वर्क किए गए हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारे पता नहीं ये सब क्या है, इतने सारे स्टिकर्स हैं, यार स्टिकर्स रिमूव कर देने चाहिए थे। एंड इसका ये दुपट्टा है, सो इट इज़ गुड,
अच्छा लगा मुझे ये सूट. या दिस वाज गुड. टीवी फट रहा है. हमारा लास्ट जो डाला है उसे हम ओपन कर लेते हैं. दिस इज सो हेवी, आई डोंट नो क्या है इसमें. और सारे फ्रूट्स एंड ऑल सब कुछ तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ. एक्चुअली लास्ट ईयर थोड़ा सा मेरा ईदी हल्का आया था, बट इस साल मेरा ईदी बहुत ज़्यादा हेवी आया है. लास्ट ईयर हल्का ईदी आया था, उसके पीछे कुछ रीज़न था. एंड इस साल बहुत अच्छा ईदी आया है माशाल्लाह. एंड सब लोग माशाल्लाह कॉमेंट सेक्शन में बोल देना. एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, लास्ट ईयर जहाँ से मेरी ईदी आई थी वहीं से मेरी ये भी ईदी आई है. एंड लाइक सुबह में भी मैं आप लोग साथ कुछ शेयर की थी. रात का 1 बज रहा है, सामने मेरे बहुत बड़ा सा विंडो खुला हुआ है. आई डोंट नो, वैसे शबे कदर की रात है, काहे का डर. बस अब शबे कदर पढ़ना भी है मुझे. उफ, लास्ट ईयर 15 रोज़ों तक ईदी आ गया था यार. पता है कभी शबे कदर में किसी को ईदी मत भेजना, इस पर बहुत लेट हो गया है. एक्चुअली लेट नहीं हो पाता यार, बट बीच में थोड़ी सी इंतकाल हो गया. तो ये चीनी है, शहर में चीनी आता है, बट चीनी भी आया है इसके साथ साथ खाजा भी आया है. तो दिस वॉज गुड. वैसे भी आजकल बहुत मुआवजा बनता है, तो चीनी का बहुत अच्छा खासा यूज़ हो जाएगा. इसके साथ साथ बजाज आलमंड ऑयल है, मतलब बजाज आलमंड ऑयल काफ़ी अच्छा ऑयल है. बट मैं प्लम का ऑयल यूज़ करती हूँ, और ऐसे मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, बट ये भी ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑयल टू. इसमें बहुत सारे डेरी मिल्क हैं, 2, 3, 4, 5 इधर है, 6, 7 वाओ, 8, 9 ओहो, मतलब सामने वाले को पता चल चुका है कि इस लड़की को डेयरी मिल्क बहुत ज़्यादा पसंद है. इम्प्रेसिव. एंड इसमें हमारा तस्बी रहा, जो कि ये 33 दानों वाला तस्बी है. बहुत ही सुंदर सा ये तस्बी है. थैंक यू सो मच. ईदी में देखो यार, तस्बी जानिमाज ये सब मस्ट होता है. यहाँ एक इतर है बेला नाम का, मतलब ये जो चमेली का फ्लावर होता है ना, खोलते ही साथ उसमें खुशबू आ रहा है. अभी तो मैं इसको नहीं लगाऊंगी, बट द पैकेजिंग इज सो एस्थेटिक एंड इट्स लुकिंग सो गुड. इसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि रात का टाइम हो रहा है. एंड बेली और चमेली का फ्लावर एक ऐसा फ्लावर होता है जिससे सब लोग अट्रैक्ट करते हैं, तो आई एम नॉट गोना यूज़ दिस, बट या द फ्रेग्रेंस इज सो गुड. सो इसमें बहुत वो यूज्ड वाले सामान लग रहे हैं मुझे. तो 2 अतर आ गया, एक ये वाले अतर है और एक ये वाले अतर है. तो थैंक यू फॉर दिस 2. ओके, ये इसमें ड्राई वाले नारियल है. अब इसको मैं किसके सर पे दे मारूं, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच इसके लिए भी. चीनी है, नारियल भी हो. ओके, इसमें खाने वाले सामान है, पिस्ता बादाम है, किशमिश है, खजूर है. यार मैं कैसे बैठ के सब कुछ दिखा रही हूँ. काजू भी है, ये भी है. वाओ, ये मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको भी खाना चाहूँगी. आप लोगों में से किसकी किसकी शादी भी फिक्स्ड हो रखी है और किसकी किसकी अभी तक ईदी आई है, ये अभी नहीं खुल पाएगा, जब खुलेगा तब खा लूँगी. इसमें सौंफ है, नारियल है, सब कुछ है, जो भी है मिक्सड है. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई जस्ट लव इट. सुरमा, ओके, इतर सुरमा तस्वीर हो गया. यहाँ पियर साबुन के 4 पैक वाले पैक हैं, इसमें 4 पीस का सेट आता है. थैंक यू सो मच. मुझे पियर साबुन बहुत ज़्यादा पसंद है, बट मैं बॉडी वॉश का यूज़ करती हूँ, मगर मैं फिर भी इसका यूज़ करूँगी. तो थैंक यू फॉर दिस 2. मैं ये यूज़ करती हूँ, मगर फिर भी मैं इसका यूज़ कर लूँगी. ओके, एंड द फाइनल थिंग इज जानिमाज. अस्तगफार, या अल्लाह प्रोटेक्ट मी. एंड ये रहा हमारा जानिमाज, माशाल्लाह. आज मैं इसी पे अपना शबे कदर का नमाज अदा करूँगी. वाओ, दिस इज इन ग्रीन कलर एंड दिस इज लुकिंग सो प्रीटी, बहुत सुंदर. थैंक यू. जानिमाज तो मतलब मस्ट होता है. लास्ट ईयर जानिमाज नहीं आया था मेरे ईदी में, तो मैंने शिकायत भी लगाए थे, क्योंकि जानिमाज मस्ट होता है ईदी में, आपको भेजना चाहिए. ओके, चारों डाला हमारा खुल गया, सफ़ा चट हो चुका है. नाउ देयर इज नथिंग. और इसमें मेरे दादा का कुर्ता है, पिजामा है और गमछा है, तो दादा के लिए ये बेस्ट है. तो ये 4 कपड़े मतलब फैमिलीज के लिए भी आए हैं, लेकिन घर के बच्चों के लिए कपड़े, बच्चे बोलते मेरे भाइयों के लिए कपड़े नहीं आए हैं. और
मेरी तो कोई बहन है ही नहीं, मतलब जेंट्स का कपड़ा नहीं आया, जेंट्स में सिर्फ दादा का कपड़ा आया है, बाकी सारी लेडीज़ को कवर कर लिया उन लोगों ने, क्योंकि मुझे मिला करके चार लेडीज़ हैं। ओके गर्ल फाइन, बाकी मेरी ईद के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड इधर सब मैंने पसारा लगा दिया है और आज मैं पढ़ूँगी उस वाले रूम में अपना। ओ यार कल बहुत सारे काम है मुझे, कल बहुत सारे काम है, मतलब मे भी परसों हमारे यहाँ से ईदी जाएगी और उसका सारा प्रिपरेशन मुझे कल करना है एंड आई डोंट हैव डैट मच टाइम, सब कुछ करना होगा क्योंकि मतलब मैं दिखाऊंगी यार, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करना होगा एंड बहुत ज़्यादा ऐसे कंडीशन टफ टफ सा हो गया। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, सब कुछ देख के माशाल्लाह बोल देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो, दिस वॉज वेरी मेमोरेबल वीडियो, इसलिए मैं इसको शूट की हूँ एंड आप लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ। आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग को ईदी कैसी लगी, आपके साइड ईदी किस तरीके से आती है। दिस वॉज माई ईदी एंड आई जस्ट लव इट, मुझे मेरा आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद है। बस अब चलो शबे कदर के लिए वजू करके बैठते हैं, कुछ देर हम कुरान शरीफ का तिलावत करेंगे एंड देन फिर हम लोग अपने नमाज पढ़ने पर शुरू करेंगे। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो, बाय। Thank you.